ये व्लॉग ऐसा है कि काफ़ी टाइम बाद मैं आज व्लॉगिंग करने वापस आया हूँ। सो गाइज, अभी तक क्यों नहीं था, कैसे था, क्या कर रहा था, कहीं भी एक्टिवेट नहीं था, ना इंस्टा, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना कहीं पर भी मैं एक्टिव नहीं था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो रीजंस जो भी हैं वो आने वाले व्लॉग्स में आपको टाइमली पता लगते जाएंगे। होप करता हूँ कि अब आने वाले जो व्लॉग्स होंगे वो टाइमली आएंगे, हर दिन आएंगे, डेली व्लॉगिंग करूंगा, ये मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है। एनीवेज भाई लोगों, तो भाई मैंने डाला है कार डिटेलिंग का काम। कार डिटेलिंग में होती है गाड़ी के ऊपर कोटिंग, पीपीएफ, डिटेलिंग, वॉश एंड जो भी भाई गाड़ियों से प्यार व्यार करते हैं ना, तो भाई याद कर लेना, पूरा काम होगा सब जगह जहां भी हो गया आप लोग। एनीवेज, अभी मेरे पास आई हुई है भाई एक हैरियर जिसकी होनी है पीपीएफ, और पीपीएफ के अलावा उसके ऊपर है ना कुछ ऐसे ऐसे स्क्रेचेस आ चुके हैं जो कि कस्टमर बाद में उनको पता लगती है, शायद इस चीजों को पहले नहीं पता लगता। तो PPF एक्चुअल में क्या होता है वो भी कई बहुत लोगों को, कम लोगों को पता रहता है, और होने को बहुत लोगों को पता भी रहता है जो गाड़ियों से प्यार करते हैं भाई, उनको पता रहता है PPF क्या चीज़ है, कोटिंग क्या चीज़ है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता PPF और कोटिंग क्या होता है तो हम लोग बैठे उसके लिए पूरी हेल्प आउट करूँगा, सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे हम लोग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कमी है उसके ऊपर, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, हम अपना बेस्ट टू बेस्ट करेंगे। सो गाइस, ये है ब्रांड न्यू हैरियर, ब्रांड न्यू भी ही है, ऑलमोस्ट गाड़ी बस चली हुई है 1500-2000 किलोमीटर के आसपास, अभी जो गाड़ी वॉश भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। पहले अपन इस गाड़ी की पूरी चेक कर लेते हैं एक तरीके से कि कहीं गाड़ी के ऊपर स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, बट मैंने एक स्क्रैच जो है वो मेजर स्क्रैच है, और वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। बहुत वाहियत लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर, बहुत ही वाहियत लग रहा है, बट हम इसको ठीक करने का पूरा पूरा ट्राई करने वाले हैं। यहाँ आपको एक दिख रहा होगा, ये स्क्रैचेस आ गया है भाई, ये बहुत डीप स्क्रैच है, ये पूरे गेट पर है ये डीप स्क्रैच, और यहाँ पर अगर मैं हाथ लगा के देखूँ तो शायद से इसके ऊपर कस्टमर ने कुछ करा दिया है, बट हम लोग इसको प्रॉपर रिमूव करके फिर ही सारी चीज़ें करेंगे। और ये है भाई गाड़ी कंडीशन की, फिटिंग ओपन कर ली है, यहाँ से इसका साइड ग्लास उतार लिया है, बिडिंग पूरी उतर चुकी है, हैंडल्स भी उतर चुके हैं, सेम साइड में ये हुआ है। अभी हम लोग ये जितने भी बैजेस हैं ये निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है पीपीएफ के ही ऊपर आएगा ये। अब ये आपको ये हैरियर का जो दिख रहा है ना, ये पहले बिल्कुल सारा ही हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद डबल टेप से वापस से रिफिक्स हो जाएंगे, बट पीपीएफ के ऊपर। अगर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो भाई इसकी कटिंग जो है थोड़ा शेप में प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो भाई अपन तो जा रहे हैं ऊपर डिनर करने के लिए, डिनर करके आता हूँ, आपने डिनर कर ही लिया है कम्प्लीट, तो चलो डिनर करके आते हैं, देन उसके बाद से वापस से गाड़ी के पास आएंगे। गाड़ी वॉश होगी, क्ले वॉश होगी, फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका क्ले वॉश होगा, देन आफ्टर नॉर्मल वॉश करने के बाद इसको वापस से अंदर लाएंगे ड्राई करके, बफिंग करके, उसके बाद गाड़ी के ऊपर होगा भाई पूरा पीपीएफ, और ये पीपीएफ का प्रोसेस चलेगा रात भर। बहुत अजीब हो गया, और ये देखो भाई पूरा पसीना वसीना रखा हूँ, अभी एसी ऑन नहीं करूँगा, अभी सिर्फ और सिर्फ फ़ैन में रहने वाला हूँ। देन उसके बाद भाई आज मैंने ना कुछ दिनों से मेडिटेशन चालू कर दिया है, लिटरली बता रहा हूँ भाई, सुबह उठ के मेडिटेशन करने में क्या मज़ा आता है भाई, क्या मज़ा आता है, पूरा दिन है ना फ्रेश निकलता है, यकीन ना हो 7 दिन करके देख लो, 7 दिन बाद भाई खुद कह दोगे कि भाई मेडिटेशन से अलग फ़र्क आया है, खुद भी कहोगे हाँ भाई मज़ा आया। तो गाइज अभी मैं आया हूँ पर डिनर करने के लिए, अब डिनर करता हूँ, और भाई सुबह तो मैं एक जगह लेकर भी चलूँगा, तो अभी के लिए तो भाई डिनर करना है, डिनर करने के बाद वापस से नीचे जाऊंगा, थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट करेंगे। टाटा की वैसे ही पेंट क्वालिटी बहुत गंदी है भाई, इतनी गंदी क्वालिटी का पेंट डालते हैं टाटा वाले। मैंने इसमें भी काफ़ी गाड़ी आई है मेरे पास, सबसे पहले सफारी पे आई थी उसमें भी बहुत कमियाँ थी। अब ये देखो भाई ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये पूरे बोनट पे नहीं मिलेगा कहीं भी, बट इस एरिया पे है, ये देखो बहुत दाने आते हैं टाटा के पेंट में, लिटरली टाटा की पेंट क्वालिटी है 10 में से मैं तो भाई 0 रिकमेंडेड करूँगा, बहुत गंदा ही पेंट वर्क करते हैं, बहुत गंदा। इसमें तो भाई पूरी रात काम चलने वाला है, और हो सकता है शायद सुबह 6-7 बजे तक काम चलेगा। ये पीपीएफ की कटिंग करते जा रहे हैं, हाथ की हाथ लगाइए, काम खैर पूरी रात चलेगा, बाकी अभी थोड़ी देर बाद दोबारा से आएंगे चेक करेंगे गाड़ी को। तो अब हम जा रहे हैं भाई वॉक पे, शाइबू घूमी 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 घूमी। तो भाई ये हमारी पीपीएफ लग गई है, अब इसके ऊपर जो स्क्विजी चलेगी चुपका देंगे। बुल्स की हलचल सारे नु सत श्री अकाल नमस्कार आदाब, सुबह के 5:30 बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं भाई, और 4:30 बजे का अलार्म लगाया था भाई 4:30 बजे का, पर नींद ही नहीं खुली, अब जाके नींद को लिए, और अब मैं जा रहा हूँ भाई सारस, क्योंकि मेरा कुछ सामान आ रहा है। तो भाई काम यहाँ तक पहुँचा है कि गाड़ी पे ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी पे पीपीएफ हो चुका है,
बस अब ये जो काम हो रहा है भाई, ये हो रहा है फिनिशिंग का काम। ये जितने भी चीज़ें हैं लॉक की जाती हैं, टक इन की जाती है, उसका काम रह गया है, वो काम चल रहा है। यहाँ आगे का पीपीएफ हो चुका है, साइड पीपीएफ हो चुका है, रूफ पीपीएफ हो चुका है, सारी चीज़ें पीपीएफ हो चुकी है। ये सब बाद में देखेंगे भाई, अभी निकलते हैं अपन तो काम से, क्योंकि वो गाड़ी निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। सुबह का भाई गाड़ी में पहला सेल्फ लग चुका है, गाड़ी को चालू कर दिया है, गाड़ी चल चुकी है भाई 46,775 किलोमीटर। इसका जो जेन्युइन ओनरशिप, जो इसका रिव्यू है ना भाई, एक दिन वो भी व्लॉग बनाऊंगा पूरा कंप्लीट। बीच में लिटरली टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। रिसेंटली भाई मैं सच पास भी करके आया हूँ गाड़ी से, और ना कुछ मैंने फोटोज़ क्लिक किए ना वीडियोज़ बनाए। सो गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स, टाइम हो चुका है 6:04 और भाई बस निकल जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो सामान है ना भाई वो बहुत दूर से आ रहा है, और बस निकल गई तो हो सकता है शायद कहीं सामान आगे ना पहुंच जाए। सुबह सुबह का टाइम है तो 10 मिनट भी नहीं लगने भाई गाड़ी से, तो चलते हैं भाई जल्दी से, बस नहीं निकलनी चाहिए। बस वाले का पता है, मेरे पास फ़ोन आया 5:30 बजे, मैंने अलार्म लगाया हुआ था 4:30 बजे का, बस वाले ने मेरे को उठाया भाई, लगा लो हिसाब। और मेरा खुद से था कि मैं खुद उठूंगा भाई, मेडिटेशन वगैरह करना सारी चीज़ें, बट इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी कि नहीं उठ पाया भाई। एक बात है, सुबह सुबह सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ है ना रोड सुबह सुबह ही खाली देखने को मिलते हैं, बाकी तो भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। अब देखो पूरा रोड खाली है भाई, ये देखो, और दिन में देख लोगे ना लिटरली इतना रशी रहता है। बट हमारा भरतपुर फिर भी इतना रश वाला नहीं है, बट हाँ एक सुबह सुबह का जो मज़ा होता है ना भाई, ये तो है खाली बिल्कुल। बस वाले भाई को भी फ़ोन किया है, नहीं लग रहा, थोड़ा टाइम लगे उस चीज़ों में, तो लेट्स सी यार आगे चलता हूँ, चाय वाय पीने का देखता हूँ, और कहीं कुछ चाय वाय मिल जाती है तो पीते हैं। फ़ोन आ जाएगा, वापस से आ जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, 1-2 मिनट दूरी पर ही जाऊँगा भाई। यहाँ हम आए सुबह सुबह चाय पीने के, बाबा जी की चाय पीने। दुकान है, आप मालिक हैं? अरे सर थैंक यू सो मच, ये सुबह सुबह कुल्हड़ चाय सर्व करने के लिए। आप जैसे बड़े लोग आमे तो मुझे भी कुछ शांति मिलती है। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा भाई चाय फैल गई सुबह सुबह, नहीं हो गया कोई दिक्कत नहीं। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद चाय पिलाने के लिए। नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं अंकल। अरे कोई बात नहीं, हो गया हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। सुबह सुबह की चाय पी ली है राधा रानी सरस पार्लर पर, ऑनेस्ट चाय बहुत अच्छी बनाई थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। सुबह सुबह गया, बहुत टाइम बाद चाय पी है मैंने, बहुत ही लेट उठाऊ, 1 घंटा ऑलरेडी लेट था, मेडिटेशन रह चुका है, जिम का भी पता नहीं अभी, क्योंकि घर पर आपको पता है गाइस सारा सामान बिखरा हुआ है, सारा काम बिखरा हुआ है, वो मेरे भरोसे अटका हुआ है, तो वहां जाके भी काम संभालना है। देन उसके बाद जो बस है भाई, बस आएगी अभी 15-20 मिनट और, हो सकता है शायद 10 मिनट में आ जाए। टाइम हो चुका है 6:46 भाई बस आ गई भाई, वो खड़ी अपनी बस, ये आ चुकी अपनी बस भाई, सामान उठाते हैं सुबह सुबह, और भाई 6:50 पर ही आई है ये बस, उससे पहले नहीं आई। तो चलो पहले तो भाई अपना सामान निकालते हैं गाड़ी में से। भाई ये कैन आई है, पीछे कुछ सामान पड़ा है, ये तो भाई पिछले अभी तक पैकेट इसी में पड़ा है, मैं और अंकित लेने आए थे आज से करीबन 10 दिन पहले, और ये पैकेट एज इट इज अभी तक गाड़ी में पड़ा हुआ है। कितना बेशरम, कितना ढीला आदमी हूँ भाई, इतना ढीला आदमी हूँ ना पूछो मत भाई, मैं खुद बोलता हूँ मैं बहुत ढीला हूँ, बहुत आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया हूँ। और इसीलिए भाई कुछ चीज़ें मैंने लाइफ में चालू कर दी है, व्लॉगिंग, जिम, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि जिम भी मैं करता था लास्ट मेरे व्लॉग्स देखोगे तो, मैं बहुत अच्छी जिम किया करता था पहले, साल भर पहले, और अब भाई 1 साल से ना पूरी बॉडी की, पूरी अपनी लाइफ की मैंने बकचोदियाँ करी हैं, जो बहुत ही अलग हो गया था लाइफ मेरी। बट हम मैं वापस से अपनी जो लाइफ है उसको रीशेप करने का ट्राई कर रहा हूँ। चीज़ें होती हैं लाइफ में जो अप्स एंड डाउन आते हैं, तो हाँ मेरा जो डाउनफॉल था मैं कुछ ज़्यादा डाउनफॉल में चला गया था, बट आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो भाई वापस से उठ जाएंगे। और अभी चलता हूँ भाई घर पर, क्योंकि घर पर आपको पता है गाड़ी हैरियर जो है वो रेडी हो रही है, रेडी होने के बाद उसका फाइनल शॉट्स भी लेने हैं, रील भी बनानी है, और भाई मेरा जो पेज है वो है स्क्रब एंड वॉश के नाम से, तो प्लीज़ फॉलो, वहाँ पर आपको मेरी बिजनेस की जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ आपको मिल जाएगी। मेरी गाड़ी है जो मेरी खुद की, तो क्या गाड़ी है, हाँ मेरी खुद की गाड़ी है भाई, मेरा साफ सा भाई प्यार है सीधे सा, किसी कस्टमर की गाड़ी आती है ना तो वो कस्टमर की नहीं है भाई, वो किसी क्लाइंट की गाड़ी नहीं है, वो मेरी खुद की गाड़ी है। तो मैं अपनी गाड़ी पे बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ, ये चीज़ आप लोग जानते हो। और हाँ मैं जब मस्ती करने पे आता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी गाड़ियों के साथ ही मस्ती करता हूँ, अपनी चीज़ों के साथ ही खेलता हूँ, बट मैं दूसरों की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता।
बट मेरे पास जो भी गाड़ी आती है मैंने लिटरली भाई अपना 100-110% दिया है अपना। और अभी भी जो मेरे पास हैरियर आई हुई है ये भी अपने एक भैया की है और इस पर भी भाई अपना 110% दिया है। आपके सामने जो स्क्रैचेस थे उसको हमने फेड करने का काफ़ी ट्राई करा बट इसके जो पेंट है ना भाई, इसके पेंट में इतने दाने आते हैं। मैंने रिसेंटली अभी एक सफारी एक हैरियर ऑलरेडी कर चुका हूँ और ये मेरे पास थर्ड हैरियर है। बट सच बता रहा हूँ भाई, महिंद्रा ने अपनी पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है बट टाटा को थोड़ा नहीं, बहुत चीज़ें चेंजेस करनी है। टाटा सिर्फ और सिर्फ फीचर्स दे रहा है अभी, क्वालिटी अगर मेरा खुद का मानना हो ना तो भाई आई नेवर बाय टाटा। सो गाइस, इस वाले गेट पे जो स्क्रैच था अब ये आप देख सकते हो, ये बहुत लाइट हो गया है। जितना हम लोग कर सकते थे अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया है बट इससे ज़्यादा हम लोग हाइड करते तो शायद हो सकता है थोड़ा और भद्दा दिखने को तैयार होता है ये। बट अब आप ये देखो कि पीछे का बैकग्राउंड कितना क्लियर दिख रहा है भाई। ये इसलिए बोलते हैं कि ये जो PPF है ना मेरे पास, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का PPF है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नो डाउट। और अब आप देख सकते हो उसकी क्लैरिटी देख लो भाई, चीज़ों की क्लैरिटी देख लो। अभी बॉनेट वॉनेट जो है ये थोड़ा साफ होगा, इसके ऊपर थोड़ा पानी वानी के धब्बे लगे हुए हैं। सो फाइनली भाई गाड़ी पे PPF हो चुका है बट अभी जो है फिनिशिंग का काम बाकी है। ये आपको थोड़े मोटे बबल्स वगैरह दिख रहे होंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क होगा। पूरी रात दोनों भाइयों ने मिलकर PPF की है, पूरी गाड़ी पूरी रात लग गई। और गाड़ी के ऊपर जो शाइन है वो आप देख सकते हो भाई, किस तरीके की शाइन आई है, बहुत ही प्यारा काम हुआ है गाड़ी के ऊपर। बस अब फाइनल लुक के लिए रेडी हो रही है गाड़ी। अभी ये जो बबल्स वगैरह हैं ये लोग हम लोग बाद में निकालेंगे क्योंकि गाड़ी को अपने आप ही सूखने का टाइम चाहिए होता है। सो भाई इसके साथ में मतलब चीज़ें अलग होती हैं PPF के साथ, PPF में बहुत सी चीज़ें हमें सेफली साउंड रखनी पड़ती हैं। अब हो चुका है भाई अपना सोने का टाइम, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।